नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2013 में आई जस्टिस लीग द फ्लैशपॉइंट पैराडॉक्स के बारे में। ये मूवी बेस्ड है 2011 की कॉमिक बुक क्रॉसओवर फ्लैशपॉइंट पे, जिसे लिखा है जेफ जॉन्स और एंडी क्यूबर्ट ने। फ्लैशपॉइंट कॉमिक बुक में फ्लैश टाइम ट्रेवल करके अपनी मॉम के मर्डर को रोकता है, जिससे वो डीसी यूनिवर्स की पूरी कंटिन्यूटी को बदल देता है। और इसी बीच काफी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो फ्लैश यानी बैरी ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है जिम क्रेग और इसे डायरेक्ट किया है जे ओलिवा ने। ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में बनाया है। तो अब करते हैं पार्ट 1 की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत में बैरी एलन छोटा बच्चा होता है जो स्कूल से घर पहुंचता है और वो अपनी मॉम को मरा हुआ देखता है, और उसकी मॉम के मर्डर के शक में पुलिस उसके डैड को पकड़ के ले जाती है। फिर सीन आता है बैरी एलन जो अब बड़ा हो चुका है और अपनी मॉम के बर्थडे पे उनकी कब्र पे जाता है, जहां वो अपनी वाइफ आयरिस वेस्ट से कहता है कि अगर मैं वहां थोड़ा पहले पहुंचता तो शायद ये नहीं होता और वो आज जिंदा होती। तभी बैरी को अलर्ट किया जाता है कि कैप्टन कोल्ड, कैप्टन बूमरैंग, हीट वेव, मिरर मास्टर और टॉप फ्लैश म्यूजियम में है, और बैरी एलन अपनी रिंग जिसमें फ्लैश की कॉस्ट्यूम होती है उससे फ्लैश बनके उन सबको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो फ्लैश को एक जगह रोकने में कामयाब होते हैं। तब उसे पता चलता है कि इन सबको उसके सबसे बड़े दुश्मन यूबर्ट थॉन यानी जूम ने सेंट्रल सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हायर करके यहाँ भेजा है। तभी जूम वहाँ आता है और फ्लैश को बताता है कि उसने यहाँ आते वक्त सब पे ये बॉम्ब चिपका दिए हैं जिससे सेंट्रल सिटी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और वो एक बॉम्ब फ्लैश पे भी लगा देता है। तभी वहाँ जस्टिस लीग की एंट्री होती है और उनकी मदद से सभी बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया जाता है। सुपरमैन प्रोफेसर जूम को पकड़ के वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी प्रोफेसर जूम फ्लैश को कहता है कि तुम कितना भी तेज भाग सकते हो लेकिन सबको नहीं बचा सकते, और खासकर जो तुम्हारे अपने हैं। वो उसकी मॉम के लिए उसको टॉन्ट मारता है और बैरी वहां से स्पीड में चला जाता है। अगले दिन बैरी की आंख अपने ऑफिस में खुलती है तो उसे सब कुछ चेंज लगता है, और वो ऑफिस से बाहर भागता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास अब कोई पावर्स नहीं है। उसकी मॉम जिंदा है और उसकी वाइफ आयरिस वेस्ट ने किसी और से शादी कर ली है, और यहाँ जस्टिस लीग भी नहीं है। उसे ये भी पता चलता है कि एक्वामैन और उसकी अटलांटियन आर्मी ने आधे यूरोप को पानी में डुबा दिया है, और वंडर वुमन अमेज़न को लीड करते हुए ब्रिटेन पे अटैक कर रही है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ होते हैं और इन दोनों के बीच कभी भी वॉर हो सकता है। इसी बीच साइबॉर्ग जो अब गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है वो अपनी एक टीम तैयार करता है इन दोनों टीम्स को खत्म करने के लिए, और बैटमैन को भी अपनी टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है लेकिन बैटमैन उसे मना कर देता है। उसके बाद फ्लैश बैटमैन को ढूंढता हुआ बैटकेव में पहुंचता है, जहां बैटमैन उस पर अटैक कर देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फ्लैश उससे कहता है कि ब्रूस मैं बैरी एलन हूं। तभी बैटमैन उसे पकड़ता है और कहता है कि ब्रूस मर चुका है, मैंने खुद उसे मरते हुए देखा था, और ये सुनकर फ्लैश बहुत हैरान हो जाता है। फिर उसे पता लगता है कि उस रात जब वेन फैमिली पे अटैक हुआ था तब ब्रूस मर जाता है और उसके पिता यानी थॉमस वेन और उसकी मॉम मार्था बच जाते हैं, और ये हादसा थॉमस वेन को बैटमैन बना देता है और मार्था को जोकर। इसी बीच वंडर वुमन की आर्मी कैप्टन स्टीव ड्राइवर पे अटैक करती है। वंडर वुमन अपने लासो ऑफ ट्रुथ की मदद से पूछती है कि वो यहाँ न्यू थेमिस्किरा में क्या कर रहा है। स्टीव ट्राइवर उसे बताता है कि वो यहाँ लोइस लेन को बचाने आया है जो एक जर्नलिस्ट है, और वो यहाँ साइबॉर्ग के लिए खबरी का काम कर रही है, और फिर वंडर वुमन स्टीव ट्राइवर को मार देती है। यहाँ बैटमैन अभी भी बैरी को इंटेरोगेट कर रहा होता है कि वो कौन है। तब बैरी उसे अपनी रिंग से फ्लैश कॉस्ट्यूम निकाल के दिखाता है कि वो सच कह रहा है, लेकिन उस रिंग से फ्लैश की रेड कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि प्रोफेसर जूम की येलो कॉस्ट्यूम निकलती है, और फ्लैश बैटमैन को बताता है कि शायद ये प्रोफेसर जूम ने किया है, और कहता है कि हमें ये सब ठीक करना होगा इससे पहले कि एक्वामैन और वंडर वुमन इस प्लेनेट के सभी लोगों को मार दे। और बैटमैन पूछता है कि क्या तुम्हारी रियलिटी में मेरा बेटा ब्रूस जिंदा है, जिसका जवाब देते हुए फ्लैश कहता है कि हाँ वो जिंदा है और वो बैटमैन है। फ्लैश बैटमैन से कहता है कि उसे वो एक्सीडेंट दोबारा रिपीट करना पड़ेगा जिससे उसकी पावर्स उसे वापस मिल सके, जिसमें पहली बार वो फेल होते हैं और बैरी एलन बुरी तरह जल जाता है, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में वो कामयाब होते हैं और फ्लैश को अपनी पावर्स मिल जाती है। फ्लैश अपनी पावर्स का यूज करके टाइमलाइन को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैश टाइम में ट्रैवल नहीं कर पाता क्योंकि प्रोफेसर जूम स्पीड फोर्स का यूज कर रहा होता है। लेक्स लूथर और डेथस्ट्रोक एक्वामैन के वेपन को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसे पावर दी जा रही होती है कैप्टन एटम से जो एक्वामैन की कैद में होता है, और इसी बीच उन पे एक्वामैन की फोर्स अटैक करती है और वो दोनों मारे जाते हैं। वंडर वुमन और एक्वामैन के बीच एक बार समझौता भी होता है, लेकिन एक्वामैन की वाइफ मीरा को उसके और वंडर वुमन के सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चल जाता है, और वो वंडर वुमन को मारने अकेले चली जाती है, जहां मीरा वंडर वुमन के हाथों मारी जाती है, जिससे एक बार फिर एक्वामैन और वंडर वुमन के बीच युद्ध का माहौल बन जाता है। और हेल जॉर्डन यानी ग्रीन लैंटर्न, जो इस दुनिया में सिर्फ एक पायलट है और उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, गवर्नमेंट उसे हायर करती है एक एलियन जहाज उड़ा के अटलांटियंस पे हमला करने के लिए। फ्लैश बैटमैन को सुपरमैन के बारे में पूछता है, लेकिन बैटमैन को भी उस बारे में कुछ नहीं पता होता। बैटमैन साइबॉर्ग को बुलाता है और उसे गवर्नमेंट के सिस्टम में हैक करके सुपरमैन के बारे में पता करने को कहता है, लेकिन साइबॉर्ग ऐसा नहीं कर पाता, तो वो तीनों गवर्नमेंट फैसिलिटी पे अटैक करते हैं और वहां से सुपरमैन को निकालते हैं जो बहुत ही डरा हुआ होता है और बिल्कुल कमजोर हालत में। तभी फ्लैश कहता है कि हमें जल्दी इसे बाहर ले जाना पड़ेगा क्योंकि सुपरमैन को अर्थ के येलो सन से पावर मिलती है और सुपरमैन पहली बार अर्थ के सन को देखता है और उसे पहली बार अपनी पावर्स का एहसास भी होता है। इतने में गवर्नमेंट फोर्स उन पे अटैक करती है, सुपरमैन अपनी पावर से उन सबको बचा लेता है और गवर्नमेंट फोर्स को मार डालता है और कंफ्यूजन में वहां से उड़ जाता है। इससे आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और आपके इस वीडियो के बारे में क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।